हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज मैं ये लेक्चर लगा रहा हूँ स्पेशल न्यूमेरिकल्स पे रिलेटेड। अभी तक हमने जो टॉपिक कर लिए हैं जो हैं हमारे हेनरी लॉ, रॉल्ट लॉ, रिलेटिव लोवनिंग ऑफ वेपर प्रेशर और ओस्मोटिक प्रेशर, तो उन टॉपिक्स पे कुछ एक न्यूमेरिकल्स जो हैं किस टाइप के न्यूमेरिकल आ सकते हैं, किस किस टाइप के न्यूमेरिकल बन सकते हैं, वो मैं न्यूमेरिकल्स की टाइप जो है वो आपको करवा रहा हूँ। तो जनरली जो हमारे चार टॉपिक्स हैं जिन पे बेस मैं आपको न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, उन चारों के जो जनरल फार्मूलाज हैं जो यहाँ पे यूज़ हो सकते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो यहाँ पे मैं नंबर वाइज जो है वो आपको न्यूमेरिकल करवाऊँगा, मतलब पहले जो न्यूमेरिकल आएंगे वो हेनरी लॉ के आएंगे, उसके बाद रॉल्ट्स लॉ के, फिर रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के, और जो लास्ट के न्यूमेरिकल्स होंगे वो हमारे ओस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड होंगे। पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल का वो है, If nitrogen gas is bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimoles of nitrogen gas dissolved in 1 liter of the water? हमें ये बोला कि हमने नाइट्रोजन गैस जो है वो पानी के अंदर हमने इंसर्ट कर दी, बबल कर दी है, उसके लिए टेम्परेचर हमने कितना रखा, 293 केल्विन रखा, और हमें ये बताना है कि हमारे एक लीटर पानी के अंदर कितने मिलीमोल्स जो है नाइट्रोजन के वो डिसॉल्व होंगे। तो सबसे पहली बात यही है कि हमें हमारा आंसर जो है वो मिलीमोल्स में निकालना है, मतलब 10^-3 मोल्स के अंदर हमारा आंसर जो है वो आना चाहिए, कितने मिलीमोल्स नाइट्रोजन के डिसॉल्व हो जाएंगे 1 लीटर वाटर के अंदर, ये मुझे बताना है। मुझे गिवन दे दिया है पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का, और हेनरी कॉन्स्टेंट दे दिया है नाइट्रोजन के लिए, वो है 76.48 किलो बार। जो पार्शियल प्रेशर दिया है नाइट्रोजन का वो कितना है, 0.987 बार है। अब इसके अंदर सबसे पहले देखो जो वैल्यूज़ गिवन थी मैंने वो लिख ली हैं, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन जो है, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन वो गिवन है 0.987 बार। जो हेनरी कांस्टेंट है ना, देखो उसकी वैल्यू हमें किलो बार में प्रेजेंट दी हुई है, तो या तो मैं मेरे प्रेशर को किलो बार में कन्वर्ट कर लूँ या मेरे हेनरी कांस्टेंट को मैं बार में कन्वर्ट कर लूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, हेनरी कांस्टेंट को बार में कन्वर्ट कर लिया। पार्शियल प्रेशर और हेनरी कांस्टेंट के जो यूनिट्स हैं वो क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। अब उसके बाद मैंने हेनरी कांस्टेंट को जो है वो बार में कन्वर्ट किया, हेनरी लॉ वहाँ पे अप्लाई कर दिया। हेनरी लॉ हमारे पास क्या था, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू हेनरी कांस्टेंट। तो मुझे यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट जो है वो पता है और पार्शियल प्रेशर पता है, तो दोनों को डिवाइड करके मैंने क्या किया, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन की वैल्यू निकाल ली। तो मेरे पास नाइट्रोजन की मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आ गई है, 1.29 × 10^-5। अब मुझे यहाँ पे ये कैलकुलेट करना है कि कितने मिलीमोल्स जो होंगे नाइट्रोजन के वो डिसॉल्व हो जाएंगे 1 लीटर ऑफ वाटर में। तो पानी जो है, पानी की वॉल्यूम हमें दी हुई है 1 लीटर। अब हमें पता है जो वाटर होता है, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1। तो 1000 लीटर पानी जो है उसका वेट कितना आ जाएगा, हमारे पास 1000 ग्राम आ जाएगा। तो देखो मैंने सॉल्व कर लिया था मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन जो आ रहा था 1.29 × 10^-5। यहाँ पे मैंने यूनिट मेंशन क्यों नहीं किए, क्योंकि जो मोल फ्रैक्शन होता है वो हमारा डायमेंशनलेस होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो ये मेरे पास मेरी एक्सप्रेशन आ गई। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन तो मुझे निकालनी है यहाँ पे मिली मोल्स में, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स मुझे नहीं पता। तो वही मैं आपको बता रहा था कि मेरे पास 1 लीटर वाटर है, यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट होगा वो 1 ग्राम होगा, क्योंकि डेंसिटी होती है 1। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना हो गया, 1000 ग्राम हो गया। 1000 ग्राम पानी हमें गिवन है, और पानी का मॉलिकुलर वेट कितना होता है, 18। तो जब मैं गिवन वेट को मॉलिकुलर वेट से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ जाएंगे। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ गए, इसको मैं पुट कर सकता हूँ यहाँ पे ऊपर वाली इक्वेशन में। तो मैं पुट कर रहा हूँ, ये मैंने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। देखो अब वाटर के मोल है 55.5 और नाइट्रोजन जो है वो मिली मोल्स में प्रेजेंट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो मतलब बहुत ही छोटी अमाउंट में है। तो इतनी छोटी अमाउंट में है तो मैं नीचे वाली टर्म में नंबर ऑफ मोल्स जो है नाइट्रोजन के वो नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। डाइल्यूट सॉल्यूशंस में आप हमेशा ये कर सकते हो, सॉल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दिया, दोनों को ऐड करने में मेरा आंसर 55.5 ही आ गया, क्योंकि ये तो नेग्लेक्ट हो चुका है। 55.5 को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आंसर आ गया ये वाला, 71.659 × 10^-5 मोल। लेकिन ये अभी मिली मोल्स में कन्वर्ट नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, इसे मिली मोल्स में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो हेनरी लॉ पे रिलेटेड था।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास हेनरी लॉ पे रिलेटेड है. द हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट फॉर ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर. जो सॉल्यूशन हम बना रहे हैं वो कौन सा बना रहे हैं? ऑक्सीजन को पानी में डिजॉल्व कर रहे हैं. और जब ऑक्सीजन को पानी में डिजॉल्व करते हैं तो उसके लिए हेनरी कॉन्स्टेंट हमारे पास क्या आ रहा है? 4.34 × 10⁴ एटमोस्फेरिक. फिर उसके बाद द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 0.2. कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ द डिजॉल्व ऑक्सीजन. पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का वो कितना दिया हुआ है? हमें 0.2 दिया हुआ है. तो हमें क्या करना है? मोलैरिटी निकालनी है. पिछले वाले में नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे, अब क्या निकालनी है? मोलैरिटी निकालनी है. तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे. सबसे पहले देखो हमें KH की वैल्यू गिवन है 4.34 × 10⁴ एटमॉस्फेरिक. तो ये एटमॉस्फेरिक में ही है, कोई हमें यूनिट वगैरह चेंज नहीं करने, कोई झंझट नहीं है. प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमें कितना दिया हुआ है? 0.2 एटमॉस्फेरिक जो है वो दिया हुआ है. अब उसके बाद देखो उसने क्या बोला, ऑक्सीजन इज डिजॉल्व इन वाटर. तो मैं यहाँ पे फिर से क्या करूँगा, पानी अज्यूम कर लूँगा, 1 लीटर है. 1 लीटर पानी के लिए कितने ग्राम पानी होगा? 1000 ग्राम पानी होगा. और उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे? 55.5 आ जाएंगे. तो यही मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है. इसको सॉल्व किया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन मेरे पास क्या आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन मेरे पास आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. पानी के नंबर ऑफ मोल्स के सामने ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो नेग्लेक्ट हो जाएंगे, तो मेरे पास मेरी मोल फ्रैक्शन आ जाएगी ऑक्सीजन की. ऊपर जो है वो मैंने मोल फ्रैक्शन पहले सॉल्व कर ली थी 0.046, और यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यू है 0.046. इसको पुट करके मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकता हूँ जो मेरे पास आ गए हैं 2.55 × 10⁻⁴ मोल्स. अब नंबर ऑफ मोल्स आ गए ऑक्सीजन के, मोलैरिटी हम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मैंने 1 लीटर एज्यूम की थी, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स मैंने कैलकुलेट कर लिए थे. तो ये जो मेरे पास मेरा आंसर था, यही सेम आंसर मेरे पास आ जाएगा किसके लिए? मोलैरिटी के लिए, मोलैरिटी के लिए. तो ये हमारे पास हमारा सेकंड न्यूमेरिकल था. थर्ड न्यूमेरिकल है हमारा, व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन शुड बी प्रेजेंट इन ग्लास ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर. हमारे पास एक गिलास पानी है, उस एक गिलास पानी के अंदर नाइट्रोजन की कितनी कंसंट्रेशन प्रेजेंट होगी? अब उसने नंबर ऑफ मोल्स नहीं पूछे, उसने कंसंट्रेशन पूछी है सीधा ही. कितनी कंसंट्रेशन प्रेजेंट होगी? गिवन हमें क्या दिया हुआ है? टोटल प्रेशर दिया हुआ है 1 एटमॉस्फेरिक, और मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है नाइट्रोजन का वो दिया हुआ है 0.78, और हेनरी कॉन्स्टेंट दिया हुआ है. अगर आप ध्यान से देखो ना, देखो हेनरी कॉन्स्टेंट की वैल्यू हमें क्या दी हुई है? 8.42 × 10⁻⁷ मोलैरिटी पर मिलीमीटर. तो हेनरी कॉन्स्टेंट जो है वो हमें कंसंट्रेशन की फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि मोलैरिटी के साथ साथ जो इसके यूनिट्स हैं वो मिलीमीटर में है. लेकिन जो हमें मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है नाइट्रोजन का, टोटल प्रेशर जो दिया हुआ है, टोटल प्रेशर में दिया हुआ है 1 एटमॉस्फेरिक. तो एटमॉस्फेरिक को हमें क्या करना पड़ेगा? mm में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं. तो देखो मुझे टोटल प्रेशर गिवन है. जब हमें टोटल प्रेशर गिवन होता है तो हमें क्या अप्लाई करना है? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. तो मैंने भी यहाँ पर यही किया, अप्लाइंग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू टोटल पार्शियल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन. तो मुझे यहाँ पे मोल पार्शियल प्रेशर जो है वो किसका निकालना है? नाइट्रोजन का. नाइट्रोजन के लिए मोल फ्रैक्शन कितने हैं? 0.78, और उसका टोटल प्रेशर कितना था? 1 एटमॉस्फेरिक. तो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना आ जाएगा? 0.78 एटमॉस्फेरिक जो है वो आ जाएगा. ये मैंने पार्शियल प्रेशर निकाल लिया नाइट्रोजन का, लेकिन ये एटमॉस्फेरिक में है. जो मेरे हेनरी कॉन्स्टेंट के यूनिट थे वो तो मिलीमीटर में थे, तो 1 एटमॉस्फेरिक में ना 760 मिलीमीटर्स होती हैं. उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, एटमॉस्फेरिक को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसको 760 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो मेरे पास आ जाएंगे 592.8 मिलीमीटर हमारे पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन के. अब मुझे क्या करना है, देखो मुझे कंसंट्रेशन निकालनी है नाइट्रोजन की. तो कंसंट्रेशन मैं कैसे निकाल सकता हूँ? सीधा पार्शियल प्रेशर और हेनरी कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई करके. इससे कंसंट्रेशन कैसे निकलेगी? देखो हेनरी कॉन्स्टेंट जो है उसके लिए मिलीमीटर आ रहा है डिवाइड में, और जो हमारा पार्शियल प्रेशर है उसके लिए मिलीमीटर आ रहा है मल्टीप्लाई में. तो ये डिवाइड वाले एमएम से एमएम कट जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या? सिर्फ मोलैरिटी. तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगी? कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन. KH मुझे गिवन था, Pa(N₂) यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन मैंने निकाल लिया था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगी सॉल्यूशन में. तो ये हमारे पास हमारा न्यूमेरिकल था, हेनरी लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है वो हमारे यहाँ पे
खत्म हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारे पास आ गया रॉट लॉस रिलेटेड। तो क्वेश्चन में हमें यह बोला गया कि वेपर प्रेशर ऑफ CHCl3 एंड CH2Cl2, दो हमें कंपोनेंट दे दिए, एक हमारा CH3 क्लोरोफॉर्म है और एक हमारा CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन है। दोनों कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर में बताए गए हैं। क्लोरोफॉर्म का वेपर प्रेशर है हमारे पास 200 और मिलीमीटर्स में, और डाइक्लोरोमीथेन का जो वेपर प्रेशर है वो है हमारे पास 400 मिलीमीटर मरकरी की टर्म्स में। हमें कैलकुलेट करनी है दो चीज़ें, एक तो हमारे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मुझे कैसे कैलकुलेट करना है, इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए मैंने 25.5 ग्राम जो है वो क्लोरोफॉर्म ली है और 40 ग्राम जो है वो डाइक्लोरोमीथेन लिया है, टेम्परेचर मेरा 298 केल्विन। और सेकंड मुझे क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है हर एक कंपोनेंट का, मतलब इसका भी और इसका भी वेपर फेज के अंदर निकालना है। तो सबसे पहले मैं पहला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अगर मुझे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है तो मुझे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पता होना चाहिए। तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूट यानी कि क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का प्रेशर मैं कैसे निकाल सकता हूँ, रॉल्ट लॉ के अकॉर्डिंग, मोल फ्रैक्शन इंटू प्योर प्रेशर। मोल फ्रैक्शन मुझे नहीं पता, मुझे प्योर प्रेशर पता है जो है 200 क्लोरोफॉर्म के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकालूंगा क्लोरोफॉर्म की। कैसे निकालूंगा, वेट ऑफ क्लोरोफॉर्म है 25.5, मास ऑफ क्लोरोफॉर्म है मेरे पास 119.5, ये मैंने कार्बन हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन का वेट जो है वो ऐड कर दिया। तो मेरे पास मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी क्लोरोफॉर्म के लिए, 0.213 आ जाएगी, सॉरी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं, नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास आ जाएंगे क्लोरोफॉर्म के 0.213। वैसे ही मेरे पास डाइक्लोरोमीथेन के नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, 0.47। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो मेरे पास आ चुके हैं। तो यहाँ से फिर मैं क्या सॉल्व कर सकता हूँ, मोल फ्रैक्शन क्लोरोफॉर्म के लिए मोल फ्रैक्शन आ जाएगी सॉल्व करने के बाद 0.311। और डाइक्लोरोमीथेन की मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, क्लोरोफॉर्म का जो आंसर आया उसे मैं 1 में से माइनस कर दूंगा। तो ये मेरे पास दोनों की मोल फ्रैक्शन आ गई। अब दोनों की मोल फ्रैक्शन आ चुकी है, दोनों के जो प्योर प्रेशर्स थे वो मुझे क्वेश्चन में गिवन थे, तो मैं दोनों के लिए क्या कर सकता हूँ, पार्शियल प्रेशर की वैल्यू जो है वो निकाल सकता हूँ। तो यही मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, जो मेरा प्रेशर है सॉल्यूशन का वो किसके इक्वल आ गया, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। तो सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर मेरे पास क्या आ गया, दोनों वैल्यूज़ को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इनको मैंने ऐड कर दिया, तो मेरे सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर मुझे मिलता है 348.135 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास हमारा पहला पार्ट जो था वो सॉल्व हो गया। दूसरे पार्ट में हमें मोल फ्रैक्शन पता करनी है वेपर फेज के अंदर। ये वाली जो मोल फ्रैक्शन हमने पता की है, ये वाली मोल फ्रैक्शन तो हमारी गैसियस फेज के अंदर है। अब हमें जो पता करनी है वो कौन सी करनी है, वेपर फेज के अंदर करनी है। तो लेट वाई क्लोरोफॉर्म एंड वाई डाइक्लोरोमीथेन आर मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज। वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर। तो मैं दोनों को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्लोरोफॉर्म की मोल फ्रैक्शन आ गई है वेपर फेज में, इसे मैं 1 में से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास मेरी मोल फ्रैक्शन आ जाएगी डाइक्लोरोमीथेन की वेपर फेज में। तो ये हमारा न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट फिर हमारे पास आ गया है न्यूमेरिकल रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे रिलेटेड। तो क्वेश्चन है हमारा, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज 0.85 बार के अंदर। ए नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट वेइंग 0.5 ग्राम इज एडेड टू द 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज 0.845 बार। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो देखो हमें प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर गिवन है, मतलब सोलवेंट का वेपर प्रेशर हमें गिवन है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर हमें गिवन है 0.845 प्योर सोलवेंट का गिवन है। नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट मतलब W2 की अमाउंट हमें बताई हुई है और W1 की अमाउंट हमें बताई हुई है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, M2 की वैल्यू ढूंढनी है, मॉलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट की वैल्यू। तो सबसे पहले जो वैल्यूज गिवन है ना मैं उनको लिख लेता हूँ। मुझे वेट ऑफ सोल्यूट गिवन है W2 0.5, वेट ऑफ बेंजीन गिवन है W1 जो है 39, मास ऑफ बेंजीन कैसे निकालूंगा मैं, मास ऑफ बेंजीन निकालने के लिए बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, तो बेंजीन का मास आ जाएगा 78 ग्राम। तो हमारे पास वेपर प्रेशर जो है प्योर सॉल्वेंट का वो कितना दिया हुआ है, 0.85।
सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पे, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमें दिया हुआ है 0.85 bar। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट एन टू बाई एन वन प्लस एन टू। और डायल्यूट सॉल्यूशंस के लिए मैं N1 यहाँ पे N1 के सामने N2 को नेगलेक्ट कर सकता हूँ। तो मेरे पास मेरा फॉर्मूला बचेगा पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू N2 बाई N1। ये N2 होगा W2 बाई M2, N1 होगा W1 बाई M1। पी नॉट की वैल्यू, पी एस की वैल्यू मुझे गिवन है। पी नॉट की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 0.85, पी एस की वैल्यू थी 0.845, डिवाइड कर दिया। W2 की वैल्यू पुट कर दी, M1 की वैल्यू पुट कर दी, W1 की वैल्यू पुट कर दी, M2 मुझे निकालना है। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद M2 की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 170 ग्राम। तो ये हमारा क्वेश्चन था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे। इसी के साथ एक और क्वेश्चन भी है हमारे पास, द वेपर प्रेशर ऑफ 5% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड एट 373 केल्विन इज 745 मिलीमीटर, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। हमें एक बोला कि सोल्यूशन है और उस सोल्यूशन की कंसनट्रेशन है 5%। देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारा सोल्यूशन है उसकी एक्वस कंसनट्रेशन हमें दी हुई है, मतलब जो सोल्यूशन हमें बनाया हुआ है वो हमने पानी के अंदर बनाया हुआ है। तो यहाँ पे सोलवेंट हमारा कौन सा प्रेजेंट है, सोलवेंट हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है वाटर। तो अब देखो 5% सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5% एक्वा सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि हमने हमारा 5 ग्राम सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व किया हुआ है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूट का वेट कितना आ गया, W1 आ गया हमारे पास 5, सॉरी सॉल्यूट जो होता है वो W2 होता है। तो सॉल्यूट का वेट हमारे पास कितना आ गया 5 ग्राम, सॉल्वेंट का वेट कितना आ गया जो हमारे पास होता है W1। टोटल वेट था 100 में से 5 ग्राम जो है वो सॉल्यूट है, तो हमारे सॉल्वेंट का वेट आ गया 95। वैसे सॉल्वेंट हमारा पानी है तो उसका मॉलिकुलर वेट आ गया 18 ग्राम। वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का वो हमें गिवन है इसके अंदर 745। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमें कितना मिलेगा, देखो सॉल्वेंट है हमारा वाटर और प्योर सॉल्वेंट जो होता है उसका वेपर प्रेशर हमारे पास होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे 1 एटमॉस्फेरिक। तो 1 एटमॉस्फेरिक में कितनी मरकरी होती है, 760 मरकरी होती है। तो हमारे पास प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आ गया 760। सारी वैल्यूज हमें मिल गई हैं, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो वैल्यूज पुट करने के बाद आप उसे सॉल्व करोगे, और सॉल्व अगर नहीं होगा तो वो फिर आपको मैं सॉल्व करके दूंगा, वो आपको खुद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर एट 273 केल्विन ऑफ 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया जिसका मोलर मास हमें गिवन है और आर की वैल्यू भी हमें गिवन है। तो देखो 5% सॉल्यूशन है यूरिया का, यानी कि 5 ग्राम यूरिया जो है वो हमने डिसॉल्व किया हुआ है हमारे 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के अंदर। वैसे देखो यहाँ पे मैं 100 ग्राम भी बोल सकता था, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे ओस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लगाना है। ओस्मोटिक प्रेशर में हमारे पास जो है वो होता है पाई इज इक्वल टू CRT। तो मुझे यहाँ पे कंसंट्रेशन चाहिए, कंसंट्रेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का कंसेप्ट यहाँ पे लाने के लिए मैंने यहाँ पे 100 ग्राम नहीं लिया, 100 सेंटीमीटर क्यूब लिया। तो मेरा 5 ग्राम यूरिया जो है वो 100 ग्राम वो सॉरी 5 ग्राम यूरिया जो है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट मुझे W2 का लग गया 5 ग्राम है, मोलर मास जो है यूरिया का वो 60 होता है, वो मैंने फॉर्मूला से निकाल लिया और वैसे गिवन भी है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कितनी है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसे लीटर में कन्वर्ट करूंगा तो वो क्या आएगी, 0.1 लीटर आएगी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, पाई इज इक्वल टू CRT, कंसंट्रेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, आर की वैल्यू मुझे गिवन है, टेम्परेचर भी मुझे गिवन है 273। तो पाई की वैल्यू मुझे यहाँ से कैसे मिलेगी, N2 की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, W2 बाय N2, गिवन वेट बाय मॉलिकुलर वेट, गिवन वेट है 5, मॉलिकुलर वेट है 60, वॉल्यूम है 0.1, आर भी पता है, टी भी पता है, सारी वैल्यूज पुट करके मैं क्या करूंगा, पाई की वैल्यू जो है वो सॉल्व कर लूंगा। लास्ट हमारे पास हमारा न्यूमेरिकल आ जाएगा, ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 8.95 मिलीग्राम, मिलीग्राम है तो इसे ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऑफ चीन फ्रेगमेंट इन 35 ml ऑफ वाटर हैज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 13.3 mm, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ द प्रोटीन। हमें क्या करना है, हमारे प्रोटीन का मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करना है। गिवन है हमें हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट जो है हमारे पास 8.95 mg, जिसे मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया,
टेम्परेचर गिवन था 25 डिग्री सेल्सियस, जिसे मैंने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया 298 केल्विन। ओस्मोटिक प्रेशर जो है वो मेरे पास मुझे गिवन है 13.3 एमएम। ओस्मोटिक प्रेशर जो है वो एमएम में गिवन है और उसे मैंने कन्वर्ट कर लिया 0.01575 एटमॉस्फेरिक में। अब ओस्मोटिक प्रेशर को मैंने एटमॉस्फेरिक में क्यों कन्वर्ट किया, देखो मुझे यहाँ पे क्या करना है, आर की वैल्यू पुट करनी है और आर की वैल्यू हमारे पास होती है 0.0821 एटमॉस्फेरिक डिग्री पर केल्विन पर मोल। तो जो हमारे पास आर की वैल्यू है उसमें हमारे पास प्रेशर का जो कांस्टेंट है, प्रेशर का जो यूनिट है, वो हमारे पास एटमॉस्फेरिक में आ रहा होता है। तो यहाँ पे मुझे मेरा ओस्मोटिक प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वॉल्यूम जो है वो मेरे पास ml में गिवन थी, उसे मैंने लीटर में कन्वर्ट कर लिया। ये सारी वैल्यूज मैं क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ मेरे ओस्मोटिक प्रेशर वाले फॉर्मूला में। तो मेरे पास आ जाएगा पाई इज इक्वल टू W2 बाई M2 RT बाई V। W2 की वैल्यू मुझे पता है 8.95 इंटू 10^-3। R होता है 0.0821, टेम्परेचर 298, पाई मुझे गिवन था, वो मैंने ओस्मोटिक प्रेशर को एटमॉस्फेरिक में कन्वर्ट भी किया था। वॉल्यूम मुझे गिवन थी, सब वैल्यूज को पुट करके मेरे पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 357.50 अप्रॉक्सीमेट। तो ये हमारे पास हमारे न्यूमेरिकल्स थे, बाकी फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।